और गाइस बहुत लोगों का ये भी क्वेश्चन होगा कि इसने आईफोन ईएमआई पे लिया है कैश में लिया है, सो यही बता दे। नमस्ते, हाय, अस्सलाम वालेकुम, इट्स सो बॉय विशाल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? तो गाइस अभी बज रहे शाम के 5:30 और अभी मैं जा रहा हूँ बिस्किट लेने के लिए, क्योंकि चाय के साथ खाऊंगा मस्त। कुछ दिन से अभी मेरा 2020 फेवरेट चल रहा है, चाय के साथ अलग ही मजा आता है। चाय बन चुकी है, मस्त चाय पीकर 2020 बिस्किट खाएंगे। अभी मस्त चाय पी लिए और अभी मैं जा रहा हूँ छत पे, भैया रूपक सत्यम सब छत पे ही है, सभी ऊपर चलते हैं। और आज आपको एक नई चीज भी दिखानी है, वो क्या है वो छत पे जाके पता चल जाएगा आपको। अभी मैं छत पे आ चुका हूँ और छत का मौसम देखो, मतलब आसमान देखो यार, कितना प्यारा लग रहा है भाई, कितना प्यारा, बहुत ज्यादा। क्या छोटे छोटे क्रीम वाले खिलाए थे ना? किसके लिए? देख क्रीम वाले उसको खिलाए ना, मार्टन चप्पल आए थे। पुच्ची लेके आया था? नहीं आ, तू लेके आया था क्रीम वाला बिस्कुट? नहीं तो मैं तो लाया ही नहीं, पता नहीं कौन सी क्रीम के बिस्कुट की बात कर रहे हैं। अच्छा चलो अभी लाऊंगा, बाद में लाऊंगा थोड़ा, है ना, फिर खिलाऊंगा तीनों को। ये मस्त चेन वाला गेम खेल रहे हैं। वाओ वाओ, हाय बोल दो, व्हाट्स अप। अरे राम, रुको तुम्हारे को एक चीज देता हूँ, खोलो मार, कुछ नहीं है। वाह, गाड़ी चलाएंगे अभी लोग, यो चला ही नहीं रहे। But there's so much more to me than eyes can see, than eyes can see. I'm not binary. पूरा आसमान देखो तुम, पूरा गोल गोल मटोल गोल। यार बहुत प्यारा आसमान हो रहा है आज तो, सही में। अरे तो बोला तो तू भी आ जा। सुबह जी, हम अभी कहाँ से आए? तू कहाँ से बता ना, बता जल्दी बता, मैं कुछ गलत करके आए पक्का। देख वहाँ से चाय लेके चाय बेचने लग गया, बिजनेस करोड़ों वाला चाय भाई। ये बोलना चाहता हर टाइम, ये नया ट्रेंड लाना चाहता है। ओए ये ट्रेंड को फॉलो नहीं करता है, ट्रेंड बनाएगा। तो गाइस अभी मेरे पास सत्यम है और सत्यम कौन सा नया फोन लाया खुद ही बता देगा। मेरे फोन ओप्पो रेनो, ओप्पो नहीं फोन दे, जियो टू लाया है। सो फाइनली गाइस मैं अपना नया फोन रिवील करने वाला हूँ, इसकी अनबॉक्सिंग करते और गाइस इसके अंदर बहुत सैमसंग J2 है, ये जो FM रेडियो के साथ है, ड्यूअल सिम है इसके अंदर। इसके अंदर 1 TB स्टोरेज है जो कि आपको बहुत मदद करेगी। मैं भी इसी से अभी रील्स बना रहा हूँ थोड़े दिन से, तभी आपने देखी होगी कितनी गंदी गंदी रील्स आ रही है। ये भी आजकल स्लोमो इसी से बना रहा है, मैं भी इसे स्लोमो से बना रहा हूँ। ये जो वॉक मारते हैं ना स्लोमो, अरे पूरा निर्भर है, बहुत लोग इसे यूज करते हैं, आप भी करो। थोड़ा ज्यादा हो गया, बाकी असली फोन दिखा तेरा। टन 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 टन, रुक जा स्लोमो में लेता हूँ। ये रहा नया फोन, खाटू श्याम बाबा की फोटो है, फिर बता दे कौन सा वाला है। कौन सा वाला? क्या कौन सा वाला फोन है ये? कौन सा वाला देख ले, सेव। अरे कटा वाला सेव है भाई, ये तो कटा वाला सेव है, तो बनाने का कर दूंगा। तो भाई आप सही में बताओ, सत्यम फोन कौन सा लाया है? आईफोन 11 लाया जो हम सबके पास है, और 128 है। अरे भाई सही में नहीं पता, सरवा तो बिल्कुल सेम फोन है एकदम। रॉक्सी भी वाला है, वो फिर 64 बरोबर है इसका, है ना, इसका 1 TB है, इसका 1 TB है, 1000 GB फोन है इसका। बाकी सही में बहुत अच्छा, इसका मेरे जैसा ही फोन है, मेरे जैसा ही है, सेम एडिटो कॉपी है, मेरी कॉपी मार ले बोल दे साहब, कवर दूसरा है हम दोनों का बस। बाकी सही में बहुत अच्छा लग रहा है, एक साल इसने वेट किया, पेशेंस सबसे मेन होता है इसमें, सबसे खतरनाक ही पेशेंस रखा है 1 साल का।
बहुत लोगों का ये भी क्वेश्चन होगा कि इसने आईफोन ईएमआई पे लिया है कैश में लिया है, सो यही बता देगा कैश में लिया हो, कैश में कितने का पड़ा? 58,900 ये मस्त था। बाकी चार्जर भी अलग से लिया होगा प्लस 2500 कैशबैक। सो अगर कैश में लेते हैं तो कैशबैक मिलता है, और अगर आप ईएमआई वगैरह पे लोगे ना थोड़ा लेट कैशबैक मिलता है। अगर आप बहुत सारे जब मैं कैशबैक आएगा ना तब मैं चार्जर लूंगा। हाँ अभी नहीं लिया चार्जर वो आया, वो डोरी आया ना तो भाई राज अब मोटर व्लॉगिंग करेगा। यहाँ ये रहा कैमरा, यहीं कहीं लगा होगा इधर कैमरे की डामर। श्याम जी डामर सही में मजा आने वाला है। अभी मस्त मोटर व्लॉगिंग करेगा, इधर से उधर घूमेगा, जापान दुबई सब जगह छोड़ के आएगा लोगों को। सो गाइस अभी मैं जा रहा हूँ अपने मोबाइल के अंदर पफ गार्ड लगवाने, नेशनल हैंडलूम ही लगेगा, सो भी चलते हैं। तो गाइस अभी मैं नेशनल पहुंच चुका हूं और यहीं से पफ गार्ड लगवाऊंगा और अंदर चलते हैं और पूछते हैं कि पफ गार्ड लगेगा कि नहीं लगेगा, क्योंकि पफ गार्ड बहुत ज्यादा जरूरी है यार। यहां पे तो मिला नहीं पफ गार्ड और अभी यहां पूछते हैं कि मिलेगा नहीं मिलेगा। जैसे बोलो तनख्वाह बढ़ा दो, बढ़ा तो नहीं। सबसे पहले तो रूपक का टाइम पर लगेगा। अब देखना जो आपके लगा हुआ है वो कितना हल्का है, और ये देखना लगवा रखा रूपक का जैसे। मैंने भाई से तो लगवाया था तो ये हटाएगा ना तू? रूपांक का टेम्पर लग चुका है। कवर देखो भाई, कवर देखो मेरा। और अब डायरेक्ट घर जाएंगे क्योंकि यहाँ पे सब चीजें बंद होने वाली है। 8 बजे कर्फ्यू लग जाता है और 7:50 कर्फ्यू लग जाता है। कर्फ्यू लग जाता है कर्फ्यू। सो अभी घर तुम्हारा भाई ने 10 रुपए बचा के लाया, घर पे 90 रुपए के लगे पफ गार्ड सुबह का दाम निकल। सो गाइस अभी मैं घर पे आ चुका हूँ और सबसे पहले भी मेरे को बहुत तेज भूख लगी है, सबसे पहले खाना खा लेते हैं और देखते हैं आज खाने के अंदर क्या बना है। खाने के अंदर है दाल बाटी और साथ में गाजर की सब्जी भी है, तो मजा आने वाला है एकदम। सो गाइस अभी बज चुके हैं रात के 1:10 हो चुके हैं और अभी जस्ट मेरी एडिटिंग कंप्लीट हुई है। और गाइस बहुत लोग पूछ रहे हैं कि आप आरती की फर्स्ट वीडियो कब लेके आओगे। सो अभी क्या उसकी थोड़ी तबीयत खराब हो रही है, इस वजह से मैं अभी उसका शूट नहीं कर पा रहा हूँ। मैं थोड़ा अच्छा ट्राई कर रहा हूँ कि एक अच्छा ब्लॉग बनाऊँ, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं, अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट में भी गलती मुझे ज़रूर बताना और एक प्यार से कमेंट ज़रूर ड्रॉप करके जाना। डिस्क्रिप्शन के अंदर इंस्टाग्राम लिंक है और आरती के चैनल का लिंक है, जाओ सब्सक्राइब करो। सो मिलते हैं कल एक न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग, लव यू, बाय। सो गाइस अभी बज चुके हैं रात के 1:08।